फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रीन राइस। तो आइए देखते हैं ग्रीन राइस में क्या क्या डालते हैं। चावल हमने लिया है 250 ग्राम। ये चावल हमने गोविंद भोग करके चावल आता है वही हमने लिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, बिरयानी राइस भी ले सकते हैं। ये बासमती भी जो खुशबूदार चावल हो उसका बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हम पालक डाल रहे हैं। जितना हम चावल लेंगे उतना ही हम पालक डालेंगे इसमें। उन्हें धोने के बाद उतना ही इसका वेट होना चाहिए। तो 250 ग्राम हमने चावल लिया है तो 250 ग्राम पालक का साग लेंगे। और इसमें डालने के लिए जितनी भी हरी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं। इसमें मटर लिए हैं और स्प्रिंग अनियन है। 2 स्प्रिंग अनियन हमने लिया है, 4 हरा मिर्च है जिसको हमने लंबा लंबा बीच से काट दिया है, और 1 बड़ा सा गांठ वाला प्याज है जिसे लंबा लंबा हमने पूरन के लिए काटा है। और यहाँ हमने फ्लेवर के लिए गर्म मसाला लिया है, तेज पत्ता लिया है, और स्वाद के लिए नमक और थोड़ा सा चीनी। तो आइए चलते हैं बनाने ग्रीन राइस। कढ़ाई चढ़ा दिया है हमने, इसमें हम घी डाले हैं। आप चाहिए तो तेल में भी बना सकते हैं। घी में हम प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम तलेंगे। केवल प्याज ही हमें ब्राउन करना है, बाकी सबको केवल डालकर थोड़ा सा चलाकर नमक डाल देना है। प्याज को 1-2 बार चला लेते हैं। इसमें हम हरी मिर्च भी डाल ही देते हैं ताकि थोड़ा सा भून जाएगा, अच्छा लगेगा। और ब्राउन होगा प्याज। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन और मटर डालेंगे। इसमें हम पालक भी डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। मिक्स हो चला है और इसमें हम पानी डालते हैं। पानी हमने यहाँ नाप कर रखा है। 250 ग्राम चावल है तो उसका डबल हम पानी देंगे, लेकिन इसमें साग डालने के चलते पानी हमने 1/2 कप कम डाला है। पानी डालने के बाद इसमें हम नमक, गरम मसाला, तेज पत्ता और चीनी, ये चारों चीज को हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम उबलने तक वेट करेंगे। इसे ढक देते हैं। तो
ढक्कन हटाकर हम देखते हैं इसका पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने पहले ही से धो के रखा है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और एक उबाल आने पर फिर एक बार ढक्कन हटाकर इसे हम चला लेंगे। ढक्कन हटाकर देखते हैं उबल चुका है। बॉयल आ चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। फिर हम इसे फ्लेम को सिंपल करके ढक देंगे। दो तीन मिनट के बाद फिर इसे उठाकर देखेंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। चावल हमारा अच्छी तरह पक गया है। एक मिनट इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक मिनट अभी रहने देते हैं। एक मिनट हो गया है। अब हम इसे बंद करते हैं। हमारा ग्रीन राइस बिल्कुल रेडी है। अब एक मिनट इसमें ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। प्लेटिंग हमने कर दिया है। देखिए काफ़ी टेस्टी बना है हमारा ग्रीन राइस। आप भी बनाइए और अपनों को खिलाइए और अपना जो ओपिनियन है वो हमसे शेयर कीजिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।